सिटी करनाल में दिव्यांगों ने अपनी मांगों को लेकर रोष प्रदर्शन किया। इस दौरान दिव्यांगों ने लघु सचिवालय में अपनी मांगों का ज्ञापन SDM नरेंद्र पाल मलिक को सौंपा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा उनकी मांगों पर गौर नहीं किया जा रहा है, जबकि मुख्यमंत्री द्वारा उनकी पेंशन बढ़ाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज तक ना तो मुख्यमंत्री ही और ना ही उप मुख्यमंत्री उनकी मांगों की तरफ कोई ध्यान दे रहे हैं। सरकार की इस अनदेखी के चलते दिव्यांग जनों में रोष पनप रहा है। इसी के चलते उन्होंने जिला प्रशासन को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा, ताकि उनकी मांगों को सरकार तक पहुँचाया जा सके। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगों पर सरकार जल्द से जल्द कोई निर्णय नहीं लेती है तो वह धरने पर बैठने के लिए मजबूर होंगे। गौरतलब है कि दिव्यांगों द्वारा पिछले दिनों भी लघु सचिवालय के सामने लगभग कई महीने पहले अपनी मांगों को लेकर धरना दिया गया था, जिनको सरकार द्वारा आश्वासन देकर उठाया गया था, परंतु अब दोबारा से सरकार बनने के बाद भी दिव्यांगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है और उनकी पेंशन बढ़ाई नहीं जा रही। इस अवसर पर बड़ी संख्या में दिव्यांग मौजूद रहे। की मांग आज दिनांक 10/1/2020 को हरियाणा विकलांग कल्याण अधिकारी समिति के सभी सदस्य अपने मांगों को लेकर, जो कि पिछले कई सालों से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उन मांगों को सरकार या प्रशासन द्वारा कोई भी हमारी मांग पूरी नहीं की, जो जिसमें कि हमारा मुख्य उद्देश्य है हरियाणा में विकलांग एक्ट को लागू करवाना है। विकलांग एक्ट आज तक हरियाणा सरकार ने लागू नहीं किया। हम उसको पुरजोर से समर्थन करते हैं और हरियाणा सरकार से मांग करते हैं कि हमारा 2016 का जो एक्ट है, कानून है, उसको तुरंत प्रभाव से लागू करने की जल्द कृपया करें। और अगर सरकार 10 फरवरी तक हमारा अधिनियम 2016 लागू नहीं करती है तो हरियाणा के विकलांग इकट्ठा होकर करनाल सचिवालय के सामने अपना मांग पत्र और धरना प्रदर्शन करने के लिए उतारू हैं, जिससे कि जिसकी जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की होगी। अगर विकलांगों के साथ किसी प्रकार की अनहोनी होती है तो उसकी जिम्मेवारी सरकार होगी। किसके नाम ज्ञापन देने हैं? हम मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के नाम मांग पत्र देने के लिए आए। आपकी मांग है? यहाँ हम अपने विकलांग कल्याण अधिकार समिति से, हमारी पूरी समिति पूरे आक्रोश में विकलांगों की मांगों के लिए आए हैं, जो हमने पहले भी इस बारे में आंदोलन हुए और हमारी मांगों के बारे में 13/7/2019 को किशन बेदी पूर्व मंत्री के निवास पर सेक्टर 7 में मीटिंग हुई थी और उसमें सभी मांगों पर विचार हुआ, जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपकी ये सभी मांगें जल्दी लागू की जाएंगी और आपकी पेंशन 6,000 रुपये मासिक की जाएगी। विकलांगों की जो आज तक कोई सुद नहीं ली। आज जिला सचिवालय में पहुंचे हैं, क्या इसका क्या इसमें ज्ञापन सौंपने पहुंचे हो, क्या पहुंचे हैं? हम यहाँ इसी के संदर्भ में आज हरियाणा सरकार को, सोई हुई सरकार को जो अब दोबारा बन के आई है, उसको जगाने आए हैं कि आपने जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया है और मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल गठित होने से पहले अपने MLA MP व सांसदों के भत्ते व अपनी पेंशनें तो बढ़ा ली है चुपचाप, लेकिन आम जनता के साथ बहुत बद्दा मजाक किया, क्योंकि 250 रुपये इनको मासिक पेंशन का इन्होंने बढ़ाने का कार्य किया। ये एक पब्लिक के साथ अन्याय है। इन्होंने दोनों ही हमारे मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री ने अपना आश्वासन दिया था, मनोहर लाल खट्टर ने एक भाई 3100 रुपये पेंशन करेंगे और JJP के हमारे उप मुख्यमंत्री ने 5100 रुपये का वादा किया था, जो के JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।